कुछ वक्त है आपके पास? खैरियत? एक काम पड़ा है, वैसे भी आप ही की फील्ड है। भला एक सीनियर साफी को जूनियर साफी से क्या काम पड़ गया? मदाक के मूड में नहीं हूं। ओ, इसका मतलब यह है कि मामला सीरियस है। फरमाइए। हमारी पड़ोसी रशीद साहब हैं, उनकी बेटी के साथ एक हादसा हुआ है। कैसा हादसा? कातिलाना हमला हुआ उस पर। कातिलाना हमला किसने किया? भाई उसके शौहर पर इल्जाम है। तो शौहर कहाँ? भाई निशा अस्पताल में है और मुजफ्फर थाने में है। तो इसका मतलब है कि शौहर का नाम मुजफ्फर है? हाँ हाँ। तो मुझे कुछ तफसीलात बताएं इस वाकये की। भाई तफसीलात तो रशीद बताएगा, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो चलो मेरे साथ। अहमद साहब, मुझे यहाँ से फारिग होने में तकरीबन कोई 1 घंटा लग जाएगा। चलो ठीक है। अब अफजल ने एक कप चाय लिया। अहमद साहब, मैंने अभी तो आपको चाय पिलाई थी। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, कब चाय पिलाई थी? अभी अभी 10 मिनट पहले, जब आप वेटिंग रूम में थे। अरे मुझे वेटिंग रूम से निकले हुए कोई 1 घंटा हो गया है। तो फिर वो कौन था? बिल्कुल हूबहू आप ही की शक्ल। फिर हूबहू कौन था? निकल जा नाला कहीं यहाँ का। अच्छा भाई, मेरा चिड़ बना रखा इसने। हूबहू बैठिए साहब। शुक्रिया जी अहमद भाई। भाई आप रशीद साहब हमारे पड़ोसी, आफाक साहब क्राइम रिपोर्टर। जी जी, जिक्र सुना है इनका, बहुत नाम छपता है। मैंने तुम्हारी बेटी के मसले पर इनसे बात की थी, अब तो मैंने सारी बात तफसील में बता दो, हो सकता है कि कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। अरे क्या बेहतरी होगी अहमद भाई, बेटी तो अब बस चंद दिनों की मेहमान मालूम होती है। मैंने उसे कितना समझाया था कि बड़े घर में शादी ना करे, मगर आजकल की औलाद सुनती है किसी की। आप शुरू से वाकयात बताएं, क्या हुआ क्या था? पहले आप लोग ये बताइए कि चाय लेंगे या ठंडा वगैरह? नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, चाय वगैरह किसी और दिन पी लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। निशा मेरी इकलौती बेटी है, बहुत ज़िद्दी मगर बहुत प्यारी। उसे मॉडलिंग का शौक था, मैंने उससे बहुत मना किया कि ये फील्ड ठीक नहीं, मगर नहीं मानी। 2-4 इश्तेहार में उसे छोटे मोटे रोल भी मिले। और फिर एक दिन तुम बैठो, मैं अम्मी अब्बू को बुला के ला दूँ। गुड, तो ये तुम्हारा घर। वेरी नाइस। ओह हेलो मुजफ्फर, बड़ों को हेलो नहीं सलाम किया जाता है। तकल्लुफात और आदाब में बड़ा फर्क होता है बेटे। खैर क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो करती हैं वो आंटी करती हैं या फिर वसीम अंकल करते हैं। मुजफ्फर के मम्मी डैडी का इंतकाल बचपन में हो गया था, उस वक्त से इनकी फूफी ने सब कुछ संभाला है। मगर ये भी तो कुछ करते होंगे। हाँ मैं फैक्ट्रियों का चक्कर लगाता हूँ अक्सर जाके, बड़ा मजा आता है। फैक्ट्रियों का? एक्चुअली इनकी 3 फैक्ट्रियां हैं गारमेंट्स की, सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में। अंकल वो एक जरूरी बात आपसे करनी थी, मुझे निशा बहुत अच्छी लगती है। मेरा मतलब है मैं शादी करना चाहता हूँ निशा से। निशा तुम अंदर जाओ। ऐसी बातें तो बड़ों के दरमियान होना चाहिए। हाँ मगर मेरा तो कोई बड़ा है ही नहीं। तुम्हें अपनी आंटी को साथ लाना चाहिए था। ओ वो तो जिंदगी भर तैयार नहीं होती। क्यों? वो मेरी शादी अपनी बेटी नेहा से कराना चाहती हैं, इसलिए। ये देखें। ये नेहा कौन है? आप नहीं जानती? उनकी बेटी, मेरी आंटी की बेटी नेहा। जब आपको नहीं जानते तो उन्हें कैसे जानेंगे? ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे वाह, ये तुमने क्या जबरदस्त किया, कुछ खाने का मूड हो रहा था। वो देना।
बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जीवन साथी का समझदार और बावकार होना बहुत जरूरी है। जिस तरह के हालात का शिकार मुजफ्फर रहे हैं, उसमें इस तरह की पर्सनालिटी होना कोई ताज्जुब नहीं है, और मुमकिन है वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। बेटा, आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकल सकता कोई? अब ऐसा भी तो होता है, बाज़ औकात रिश्ते के वक्त फरिश्ता नजर आने वाले बाद में शैतान साबित होते हैं। बेटा, अपनी सामाजिक हैसियत और मर्तबे के मुताबिक रिश्ते तय करने चाहिए। देखो बेटा, एक बात याद रखो, मिट्टी पर चलने वाले संगे मरमर पर जल्दी फिसल जाते हैं। लेकिन मैं सिसक सिसक के जिंदा नहीं रह सकती। नो रिस्क, ओके? निशा ने हमारी मर्जी के खिलाफ और मुजफ्फर ने अपनी आंटी को बताए बगैर शादी कर ली। मुजफ्फर की आंटी मिस्टर एहसान को जब ये पता चला तो वो बहुत चरागपा, बड़ा हंगामा किया। लेकिन चूंकि सब कुछ मुजफ्फर के नाम था, इसलिए उन्होंने ये कड़वा घोंप पी लिया। लेकिन उन्होंने निशा को कभी दिल से कबूल नहीं किया। मगर क्या वजह हुई कि मुजफ्फर ने निशा को गोली मारी? गोली मुजफ्फर ने नहीं मारी, उसकी आंटी ने मारी थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? निशा ने मुझे खुद बताया था। कमाल, अगर निशा ने खुद बताया है कि गोली उसकी आंटी ने मारी है, तो मुजफ्फर क्यों गिरफ्तार है? पुलिस के मुताबिक निशा ने जो बयान दिया है, उसमें उसने कहा है कि मुजफ्फर ने गोली मारी। निशा दो मुख्तलिफ बयान कैसे दे सकती है? या तो आप गलत हैं, या पुलिस ने गड़बड़ की है। आपकी निशा से बात पुलिस के बयान से पहले हुई थी? हाँ, मुझे तो जैसे ही इत्तला मिली मैं अस्पताल पहुंच गया था। पुलिस उस वक्त तक नहीं पहुंची थी। ठीक है, मैं पुलिस को दिया हुआ बयान पढ़ लूं, फिर देखें आगे क्या हो सकता है। ठीक, अब इजाजत। अल्लाह हाफिज़। आइए। अल्लाह हाफिज़। आइए आफाक साहब, आइए। हमारे नसीब जागे के आप यहाँ बैठे। प्लीज। शुक्रिया जी। आफाक साहब, क्या पीना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। हाँ तो ऐसे जो साहब, मैं आपको बता रही थी कि मुजफ्फर मेरा यतीम भांजा है। हमने उसे सहारा दिया, पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया। वकील कह रहा है कि छूट जाएगा, लेकिन मैं तो निशा को सबक सिखाना चाहती हूँ। आखिर उसे अपनी हैसियत देखकर मुंह मारना चाहिए था। अरे ऐसे जो साहब, हम जद्दी पुश्ती रईस हैं। निशा जैसी लड़कियां हमारे मर्दों के जूता में पड़ी होती हैं। मिसेस एहसान, निशा बेचारी तो अस्पताल में पड़ी हुई है, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब आप उसे और कितना सबक सिखाएंगे? और आप तो SHO साहब, फ्लैट की हद तक तो सही है। मुझे तब पता चला जब मुजफ्फर निशा को दुल्हन बनाकर मेरे सामने ले आया। मैंने उसकी सूरत देखी, मजबूरन मुझे निकाह नामे पे दस्तखत करने पड़े। दो दो टके की चीजों के ऊपर अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली मॉडल गर्ल। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मामला क्या है? भाई ये मिसेज एहसान है, और मिसेज एहसान ये आफाक साहब है, मारूफ क्राइम रिपोर्टर। अखबार नवाए शहर का नाम तो आपने सुना होगा। ये किस जबान में निकलता है? उर्दू में। ओ, हमारे यहाँ तो इंग्लिश अखबार आता है। मैडम, हमारे मुल्क की 98% आबादी सिर्फ उर्दू ही समझती है। उनकी हैसियत ही क्या है इस मुल्क में, फैसला तो इलीट क्लास ही करती है। मोहब्बत की शादी की थी आपके भतीजे ने? फांसा था इस हराफा ने उसे। ओह आई सी, तो इस तरह की लड़की थी। ऐसी लड़कियां मॉडलिंग वगैरह में आती ही दौलतमंद लोगों को फांसने के लिए। वैसे मुजफ्फर को गोली मारने की क्या जरूरत थी, सीधा साधा तलाक दे देता। हाँ, चाह तो मैं भी यही रही थी, लेकिन चंद दिन पहले इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया
और मुजफ्फर ने गुस्से में आकर रिवॉल्वर निकाल लिया और बस वो गोलियां चल गई। गोलियां? यानी एक से ज्यादा गोलियां लगी हैं लड़की को? हाँ, गोली तो एक ही लगी, बाकी इधर उधर हो गई। तो शुक्र है खुदा का एसएचओ साहब, मैं बच गई। चले, आपकी जान तो छूट गई। कहाँ, मर के ही नहीं दे रही। ऐसा मत कहे मिसेज एहसान, अगर वो मर गई तो आपका भतीजा बुरी तरह से फंस जाएगा। कुछ नहीं होता, वो वैसे भी एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल? हाँ, ज़हनी तौर पर तो बच्चा है। अगर आपको एतराज न हो तो मैं मुजफ्फर से मिल लूं। भाई ये तो आप मिसेज एहसान से पूछें। हाँ हाँ, मिल लो, मिलकर तुम खुद ही फैसला कर लो कि ऐसे लड़के को कितना बेवकूफ बनाया जा सकता है। खुशी मोहम्मद। यस सर। आफाक साहब को मुजफ्फर से मिलवा दो। आइए सर। यार पुग्गम कैसे करें, पुग्गम के लिए तो तीन जने होते हैं। अबे तो तीन जने नहीं, वो तो ग्राम खेलेगा नहीं क्या? चलो काम करो। देखा ये मुजफ्फर साहब है, आप मिल लें इनसे। हेलो, मेरा नाम आफाक। कब छूटूंगा मैं यहाँ से, इतनी गंदी जगह पे लाके रख दिया मुझे, यहाँ तो कोई घंटा भी नहीं रह सकता। हाँ वाकई ये तो बहुत गंदी फजूल जगह है ना। हाँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम यहाँ से बहुत जल्द छूट जाओगे। आंटी भी ये कह रही थी, पता नहीं कहाँ फंसा दिया। आंटी ने कैसे फंसाया, गोलियां तो तुमने चलाई थी। हाँ आंटी ने भी तो ये बताया था मुझे कि गोलियां मैंने चलाई थी। क्या मतलब? मतलब क्या, मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, बस मुझे याद है कि आंटी ने मुझे ये बताया था कि मैं रिवॉल्वर साफ करता बैठा हुआ और नया आ गई और बकवास करने लगी, और जब उसने बकबक बंद की तो फिर मैंने, तुमने गोलियां मार दी। तो मैं क्या करता, और मुझे अच्छी नहीं लगती अब वो, शादी से पहले वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मगर अब मुझे वो बहुत बुरी लगने लगी है। और वैसे भी आंटी ने तो मुझे ये बताया था कि मेरे जैसे अमीर लड़कियों के लिए तो हजारों लड़कियां हैं, और फिर नेहा भी तो है। नेहा, नेहा से शादी कर सकता हूँ मैं। ये नेहा कौन है? नेहा आंटी की बेटी, आंटी चाहती है मैं शादी कर लूँ उससे। क्या तफ्तीश शुरू कर दी आपने? बस वो इंस्पेक्टर साहब, बस हम गपशप कर रहे थे। मुलजिम के साथ आप जैसे सहाफी की गपशप बहुत खतरनाक होती है। ओए, तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बका? सहाफी अखबार में? आप हाँ। तो क्रिच फोटो, मेरी फोटो कब आएगी? तेरी तस्वीर अखबार में बहुत जल्दी आएगी, फिक्र मत कर। आइए आप। आपका वैसे इंस्पेक्टर साहब बहुत ही शानदार लग रहे हैं कुर्बानी के लिए। कोई भी वकील, कोई भी होशियार वकील फांसी तो नहीं, लेकिन कम से कम उम्र कैद तो दिलवा ही सकता। आफाक साहब, ये असल मुलजिम है, कुर्बानी का बकरा नहीं है, लेकिन इसे एबनॉर्मल होने की वजह से सजा नहीं होगी, और अगर हुई भी तो बहुत कम। आइए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। गालिबन आप ही निशा के वालिद थे? जी हाँ, मैं ही वो बदनसीब बाप हूँ। हुमायूं साहब, रशीद साहब ने बताया था कि जिस दिन ये हादसा हुआ आप वहीं पर मौजूद थे। बस इत्तफाक है, मुजफ्फर के वालिद से पड़ोसी होने के नाते बरसों से ताल्लुकात थे। अल्लाह मगफरत करे, दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे इंसान थे। आप कुछ बताएंगे कि आपने वहां क्या देखा? उस रोज मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो सुना कि मुजफ्फर के घर से फायर और चीखों पुकार की आवाज आ रही थी। मैं उसके घर पहुंचा, देखा तो ड्राइंग रूम के कालीन में निशा पड़ी और उसने पेट पर हाथ रखा हुआ और उसका हाथ खून में तरबतर है और मुजफ्फर जो है वो रिवॉल्वर लेकर खड़ा हुआ है। मैं दौड़कर निशा की तरफ पहुंचा, उसे हिलाकर देखा तो वो जिंदा थी। मैंने मुजफ्फर और मिसेस एहसान से कहा कि इसे अस्पताल ले जाओ, लेकिन शायद उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। खैर मैं खुद अपनी गाड़ी में डालकर उसे अस्पताल ले गया, क्योंकि ये कातिलाना हमले की बात थी तो पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंच गई और जो मैंने देखा था वो बयान दे दिया। लेकिन न जाने क्यों मिसेस एहसान जो है मेरे बयान से परेशान हो गई है। वो इसलिए परेशान है कि आपके बयान के बाद ये कत्ल की वारदात बन रही है।
جبکہ مسز احسان اسے ایک حادثہ بتاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک اقدام قتل کی واردات ہے۔ گولی مظفر نے نہیں، مسز احسان نے چلائی تھی۔ مگر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میری بیٹی کا بیان تو یہی تھا، لیکن پولیس کے بیان کے مطابق جو اس وقت مسز احسان کی زر خرید بنی ہوئی ہے، نشا نے مظفر کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ مگر میں تو وہی بیان دوں گا نا جو میں نے دیکھا ہے، باقی تفتیش کرنا اور حقائق تک پہنچنا تو پولیس کا کام۔ دیکھیے، میری بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اصل مجرم کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے۔ دیکھے نا، اصل مجرم کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی۔ سب بگے ہوئے ہیں، سب مسز احسان کی مٹھی میں۔ وائی صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کو وہی بیان دینا چاہیے تھا جو آپ نے دیکھا۔ اگر بعض اوقات آدمی کو جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اجازت، خدا حافظ۔ ارے کہاں ہیں آفاق میاں، صبح سے یہ وقت ہو گیا انتظار کرتے ہوئے۔ بھائی آپ کو تو پتا ہے کہ ہماری صبح 12 بجے شروع ہوتی ہے۔ میاں ہم نے بھی رپورٹنگ کی ہے ساری زندگی، گویا عمر گزر گئی ہے دشت کی سیاہی میں۔ جی ہاں، لگتا یہی ہے کہ آپ نے ساری زندگی سیاہی ہی کی ہے۔ ارے میاں خبر بھی رکھتے، مظفر کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ہاں وہ تو ہونا ہی تھا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ صبح کی خبر ہے۔ تو تمہیں بھی معلوم تھا؟ ارے سر، ہم 24 گھنٹے آن لائن رہتے ہیں۔ میاں آپ کرنا کیا ہے، نشا کی حالت خراب ہو رہی ہے دن بدن۔ کل میں اسپتال جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ نشا کا اصل بیان حاصل کر لوں، اور اب یہی ایک آخری راستہ رہ گیا۔ اگر نشا کو کچھ ہو گیا تو اصل ملزم بچ نکلیں گے۔ احمد صاحب آپ بے فکر رہیں، کل میں یہ کام کر لوں گا۔ آفاق صاحب، ایڈیٹر صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ ہاں ان سے کہیں میں آتا ہوں۔ سوری سر، اندر جانے کی کسی اجازت نہیں۔ ٹھیک، میرا نام آفاق ہے اور میں ڈیلی نواز سے میں کرائم رپورٹر ہوں۔ تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ آپ کی کیا خدمت کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ہسپتال میں ایک مریض ہے نشا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن نشا کے ملنے پر پابندی ہے۔ جو کہ آپ نے عائد کی۔ جی نہیں، مریضہ کی حالت کے پیش نظر پابندی لگائی گئی ہے۔ کیا وہ بیان دینے کے قابل ہے؟ بیان تو اس کا ہو چکا ہے، اور ویسے بھی وہ اب بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، معاملہ بہت سیریس ہے۔ میری معلومات کے مطابق پولیس نے جو اسے بیان منسوخ کیا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، اور نشا پر جس نے فائرنگ کی ہے اس کی بجائے ایک بے گناہ شخص کو ملزم قرار دیا گیا ہے۔ آفاق صاحب، جس وقت لڑکی کو زخمی حالت میں لایا گیا ہم نے اسی وقت پولیس کو فون کر دیا تھا، پولیس آئی، اس نے بیان لیا اور چلی گئی۔ اب اگر پولیس نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں۔ زخمی کا بیان آپ کی موجودگی میں ہونا چاہیے تھا، جو کہ آپ کے فرائض کا حصہ بھی ہے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ چل بسی تو ایک بے گناہ کے خون کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی۔ مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کچھ نہ کریں، مجھے ایک فون کی اجازت۔ جی جی، کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ تم جاؤ۔ ہلو ہلو انسپکٹر صاحب، میں آفاق بول رہا ہوں ڈیلی نوائے شہر سے۔ آفاق؟ او نوائے شہر سے۔ میں اس وقت سینٹرل ہاسپٹل میں ہوں، جہاں ایک لڑکی نشا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ نشا؟ اچھا اچھا،
مسز احسان کی بہو. میرا خیال ہے آپ تو اس دن تھے نا تھانے میں جب اس سے. مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس لڑکی کا بیان آپ نے صحیح طور پر ریکارڈ نہیں کیا انسپکٹر صاحب. یہ تم سے کس نے کہا اور تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات مجھے اس کے والد رشید صاحب نے بتائی. اچھا. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں فوراً تشریف لائیں اور دو معتبر گواہوں کے سامنے نشا کا بیان ریکارڈ کریں. دیکھیں آفاق صاحب, ہم اس وقت دوسرے کیس میں مصروف ہیں, فرصت ملی تو کل آ جائیں گے. انسپکٹر صاحب, میں آپ کا ایک گھنٹے تک انتظار کروں گا. اگر آپ ایک گھنٹے تک نہ آئے تو کل کے اخبار میں آپ کے کارنامے کی تفصیل صفحے اول پر چھپی ہوگی. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کے آئی جی صاحب کو بھی آفاق صاحب, ایسا کریں آپ تھانے آ جائیں, میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا. جی ہاں انسپکٹر صاحب, میں آپ کی ساری بات سمجھ چکا ہوں. آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. خدا حافظ. ایک بات واضح کر دوں آفاق صاحب, پہلے ہم نے لڑکی کا بیان نہیں لیا تھا تو پھر آپ نے مظفر کو گرفتار کیوں کیا؟ دو عینی شہادتوں کی بنیاد پر, ایک تو ان کے پڑوسی مسٹر ہمایوں اور دوسری مسز احسان, جبکہ ملزم نے بھی اقرار جرم کر لیا تھا. مگر نشا نے تو بتایا تھا کہ گولی مسز احسان نے چلائی. دیکھیں, اس کے مسز احسان سے تعلقات خراب تھے, ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. دیکھیں, اس بات کے ہمارے پاس کچھ ثبوت موجود ہے, وہ ہم وقت آنے پر سامنے لائیں گے. فی الحال تو بھی آپ نشا کا بیان نوٹ کریں نا. ٹھیک ہے, آئیے. بیوی, یہ ایس ایچ او ہیں, آپ کا بیان لینا چاہتے ہیں. کیا آپ بیان دے سکتی ہیں؟ جی پلیز. میرا نام نشا مظفر ہے. مظفر کی پھپھی شروع دن سے ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی. ہم دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. ایک دن انہوں نے سب کچھ تمہارا ہے لیکن تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں؟ سب کچھ تو ہے, گھر ہے, گاڑیاں ہیں, پہننے کو ہے, کھانے کو ہے, اور کیا چاہیے ہم کو؟ مظفر, ذرا مردوں کی طرح سے سوچو. یہ گھر, یہ کاروبار, تمہارا سی ویو والا فلیٹ, سب کچھ انکل اور آنٹی کے کنٹرول میں ہے. تمہیں اپنا کاروبار سنبھالنا ہے, اور ویسے بھی ہم کب تک ان کے رحم و کرم پہ پڑے رہیں گے؟ ماں, تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو مگر میں کیا کروں؟ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں, میں نے کسی چیز کی پریکٹس ہی نہیں کی, میں کیا کروں گا؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ. ہاں یہ تو ہے, تم ہو نا میرے ساتھ. بہت خوب, بہت خوب. آخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی نا. میں آپ کی بات نہیں سمجھی. سب باتیں سن لی ہیں میں نے. آخر آ گئی نا تم اصلیت پر, اسی لیے اسے گھیرا تھا تم نے. آپ سب فضول باتیں مت کریں. زبان سنبھال کر بات کر گھٹیا لڑکی, آخر تو اپنی اصلیت پر آ ہی گئی نا. پتا تو اسے کیا سکھا پڑھا رہی تھی؟ اپنے بھتیجے کی جائیداد میں عیش کر رہی ہیں اور ہماری چھپ چھپ کے باتیں سنتی ہیں. نکل جا یہاں سے, نکل جا گندی نالی کا کیڑا, نکل جا. گندی نالی کا کیڑا میں نہیں, آپ ہیں, اور آپ کو میرے گھر سے جانا ہوگا. آنٹی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کیوں لڑ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا, میں دیکھتی ہوں یہاں سے کون جاتا ہے. تم جاتی ہو یا میں؟ تمہارے سامنے تمہاری بیوی کی انسلٹ ہو رہی ہے, اسے برا بھلا کہا جا رہا ہے اور تم چپ چاپ تماشا دیکھ رہے ہو. میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم نہیں سمجھ رہی ہو, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اچھا میں کہتی ہوں نکل جا یہاں سے حرافہ, ورنہ میں کو نہیں مار دوں گی.
मैंने कहा ना, इस घर से मैं नहीं आप जाएंगी, और अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप गोली चलाइए। आंटी क्या कर रही हैं आपके? तुम चलो यहाँ से। सॉरी बोलो। तुम चलो यहाँ से। क्या कर रही हैं आंटी? क्या आपने? निशा। आंटी आपने तो उसको वाकई गोली मार दी। निशा उठो। निशा उठो। आंटी ये क्या किया आपने? लो ये पकड़ो। कोई कहे ना तो कहना मैंने गुस्से में गोली चलाई है। मैंने मार दिया? नहीं नहीं। अगर ये कैसा शोर? इसे रखो। अंकल निशा, मैंने नहीं मारा। मुजफ्फर मुजफ्फर देखो तो अभी ये जिंदा है। हाँ निशा इसे उठो, इसे अस्पताल ले चल। नहीं 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 रहने दो। हॉस्पिटल लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये अभी जिंदा है और इसे अस्पताल ले जाना जरूरी है। हाँ उठाओ इसे। निशा उठो। निशा अब तो आप खुश हैं आफाक साहब? खुशी उस वक्त होगी इंस्पेक्टर साहब जब असल मुजरिम सलाखों के पीछे होंगे। एनीवे थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद साहब आप फिक्र ना करें, असल मुजरिम अब बच नहीं सके। ये क्या हो रहा है? ये मैं पूछती हूँ क्या हो रहा है? मैंने आपको मना किया था ना कि किसी को मिलने मत दें इस हराफा से। मोहतरमा ये हॉस्पिटल है, आवाज नीची और जबान ठीक इस्तेमाल करें। अच्छा तो ये आप हैं, आप कौन लगते हैं इसके? लगता है पुलिस ने हक के नमक अदा करते हुए आपको इतला कर दी। सॉरी मिसेस हसन, आप लेट हो चुकी हैं। इशा अपना बयान दे चुकी। रशीद साहब आप पुलिस को फोन करें, उनसे कहें कि उनकी मतलूबा मुलजिम यहां मौजूद है। यू शट अप, तुम्हारे जैसे दो टके के जर्नलिस्ट मेरी मुट्ठी में होते हैं, तुम समझते क्या हो अपने आप को? माय प्लेजर मिस्टर साहब। बेगम साहिबा आपने मेरी बेटी के साथ बड़ा जुल्म किया है। अगर आप दुनिया की अदालत से बच भी गई ना तो अल्लाह की अदालत से नहीं बच सकेंगी। यू इडियट, अपनी बेटियों को दौलतमंदों के पीछे लगाते हो ताकि तुम्हें मुफ्त की दौलत मिल जाए। याद रखो अगर तुम्हारी बेटी बच गई तो उसे मेरे घर की तरफ मत आने देना, वरना अगली बार नहीं बचेगी, समझे? देखिए मिसेज एहसान आप मैं खुद। बैठो। आफा वैसे मुजफ्फर से बहुत मुश्किल से रابطہ हुआ क्योंकि मिसेस एहसान नहीं थी, वरना तो मुश्किल था इससे मिलना। वैसे आफाक मुझे एक बात समझ नहीं आई, पुलिस ने अब तक मिसेस एहसान को पकड़ा क्यों नहीं? पैसों में बड़ी ताकत होती है हुमायूं साहब, और वैसे भी उन्होंने जमानत कबल इस गिरफ्तारी करा दी है। वाह 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 वाह, तुमने बहुत हिम्मत से काम लिया, मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया, वरना ये मासूम मारा जाता। और हाँ मुजफ्फर तुमने झूठ क्यों बोला था कि गोली तुमने चलाई है, जबकि निशा का बयान ये कि गोली तुम्हारी आंटी ने चलाई थी। वो आंटी ने मुझे जैसे बोला मैंने वैसे कह दिया। तुम्हें पता है कि अगर निशा मर जाती तो तुम्हें फांसी हो जाती है? ये तो शुक्र करो हमने बयान दिलवा दिया। बात सुनो बेटा, जज्बाती ना हो, ये बेचारा मासूम बच्चा है, इसे इन चालबाजियों का नहीं पता। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? वो बाहर मुल्क में रहते हैं मगर आ रहे हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंटी ने निशा के बाप से सुलह की बात की है? हाँ उन्होंने बताया था मुझको, और बहुत शर्मिंदा है वो अपनी जिल्लत पर। देखो बात ये नहीं है, पहले तुम लटक रहे थे अब उनकी गर्दन फंसी है।
ना ही उन्हें तुम्हारी बीवी से हमदर्दी और ना तुमसे। वो तो खुद अपनी गर्दन बचाना चाहती है। अब तुम खुद देखो, जब तुम पर इल्जाम आया तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ली, और जब उन पर इल्जाम आया तो पुलिस ने अब तक उन्हें कुछ नहीं कहा। उनका बस चलता तो वो तुम्हें जेल भिजवा देती। जेल? जेल ले जाऊंगा मैं? देखो देखो मुजफ्फर, अब तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। तुम्हारी आंटी तुम्हें और तुम्हारी बीवी को रास्ते से हटाकर सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती। तो मैं क्या करूंगा? देखो निशा के अब्बू बहुत समझदार हैं, उनसे राब्ते में ठीक है, और आस पास नजर रखो और अपनी आंटी की बातों में बिल्कुल मत आओ, और जो हम कहें ना बिल्कुल वैसे ही करो, वरना तुम बुरी तरह फंस जाओगी, बात याद रखना। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तैयार हूं मैं, तैयार हूं। कितना समझाया था कि इस अहमक लड़के को काबू कर लो, लेकिन तुम्हारे तो दिमाग में कोई बात ही नहीं बैठती। अरे अगर तुम मेरी बात मान लेती ना तो आज उसकी बीवी होती और ये मसाइल पैदा ना होते। मामा इसमें मेरा क्या कसूर है? वो होलू तो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद, और उस पहाड़ से तो मैं शादी करने से रही। सोने का पहाड़? सोने का? हाँ हाँ सोने का पहाड़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन सोना भी शादी में पहना जाता है, उसे शादी नहीं की जाती। ओहो, तुम्हें ना बात पहले समझ में आई न अब आ रही है। अरे अगर ये लड़का हमारे हाथ से निकल गया ना तो ये ऐशो इशरत सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। फिर 100-200 गज के खंडर जैसे मकान में रहना और बसों के धक्के खाती फिरना। आ आ बेटा आ। कहां से आ रहे हो? मैं आंटी वो मैं वॉक पे गया था, बाहर टहल रहा था। हाँ। लेकिन पहले तो कभी टहलने नहीं गए। वो आंटी मैं हवालात में रहा ना जेल में, तो मुझे बाहर रह के पता लगा कि इंसान के लिए बाहर की आबो हवा और जो बाहर की चीजें होती है ना, फल पत्ते बूटे, ये बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं वो बाहर आबो हवा ले रहा था, टहल रहा था। बेटा यहाँ आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा अच्छा बैठो। देखो बेटा, तुम मेरे मरहूम भाई की एक ही निशानी हो। मरहूम भाई की हादसाती मौत के बाद मैंने तुम्हें अपना समझा, मैंने तुम पर कोई आंच नहीं आने दी, लेकिन इस हर्राफा के आने के बाद मेरी सारी मेहनत मेरी सारी मोहब्बत पर पानी फिर गया। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन बेटा इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं जेल चली जाऊं। तुम ये पसंद करोगे कि मैं जेल चली जाऊं? मुझे यकीन है तुम ये पसंद नहीं करोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुमने जो बयान दिया है ना उस पर कायम रहना। कौन सा बयान? यही कि तुमने यूं ही गोली चलाई, गुस्से में हवाई फायर किया और वो गोली जो है वो उसको लग गई। तो इससे आप बच जाएंगे? हाँ। और आंटी मैं? हाँ तुम भी कुछ दिन जेल में रहोगे फिर रिहा हो जाओगे। मैं सोने जा रहा हूँ आंटी। बेटा बेटा सुनो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो मुझे नींद आ रही है। ठीक हो जाओगी बेटा।
निशा क्या हुआ? निशा बेटा तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम ठीक हो जाओगी बेटा, ठीक हो जाओगी तुम। डॉक्टर इसे क्या हुआ? निशा हौसला रखें, she has been expired. नहीं, क्या हुआ डॉक्टर, ये मेरी बच्ची को क्या हुआ? मेरी बच्ची साहब कहाँ? अभी अभी बाहर निकले घर जाने के लिए। अच्छा अगर ना गए हूँ तो उनको जरा बुलाए। चाय पियेंगे फक साहब? एकदम कड़क कड़क चाय। नहीं यार बुड़े, जाने के बाद पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए। क्यों बुलाया आपने, क्या काम है? अहमद साहब आपके दोस्त रशीद साहब उनकी बेटी निशा का इंतकाल हो गया। क्या? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए चलिए उनके घर चलते हैं। चलिए आइए। मगर आपने मुजफ्फर को बंद क्यों रखा है? देखें आफाक साहब, लड़की के मरने के बाद सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अब यह कत्ल का केस है जिसमें दो मुल्जिमान नामजद हैं। हम उनमें से किसी एक को कैसे छोड़ सकते हैं? अब्दुल के बयान के बाद भी? बयान का फैसला अदालत करेगी। फिलहाल हमने उन दोनों का 7 दिन का रिमांड ले लिया है। आइए। मैं मुजफ्फर से अलग मिलना चाहता हूँ। देखें आफाक साहब, दौरान तफ्तीश हम मुल्जिम को किसी से नहीं मिलने देते, लेकिन आपको चंद मिनट देते हैं। एसएचओ साहब, एसएचओ साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इस जर्नलिस्ट को मुजफ्फर से मिलने दे रहे हैं? अरे इसी ने तो इसे भड़काया है। आप चुप करें, हम यहाँ मौजूद हैं, कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोलो। देखिए एसएचओ साहब, आप अच्छा नहीं कर रहे, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मैं आपकी शिकायत कर दूंगी, आपकी मैं शिकायत कर दूंगी। ये मेरे साथ धोखा हो रहा है, ये मेरे साथ धोखा हो रहा है एसएचओ साहब। ये लोग मुझे डराते रहते, आंटी कुछ नहीं कहते और कहते कि जो जो उन्होंने कहा मैं वही बयान दे दूं कि गोली मैंने चलाई थी। देखो मुजफ्फर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अदालत में पेशी होगी और फौरी तौर पर तुम्हारी जमानत हो जाएगी। और वैसे भी रशीद साहब ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वकील कर लिया। और अगर उन्होंने मुझे वहां पे मारा तो? हाँ तो कुछ मार बर्दाश्त कर लेना, आखिर ये जान कब काम आएगी तुम्हारी। इसलिए तो नहीं मनाई थी जान मैंने। लेकिन अगर तुम जरा भी घबराए तो फांसी तुम्हारे मुकद्दर होगी। अब बस करें आफाक साहब। अमजद मुजफ्फर को ले आइए। जी आफाक साहब, क्या ख्याल है, चाय मंगवाऊं? नहीं, मैं बड़ा जल्दी में हूं, चाय फिर कभी से। थैंक यू। ओके, यू वेलकम। कहाँ चले आफाक साहब? आज मुजफ्फर और आंटी की पेशी थी। थी नहीं, है, और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कोई उम्मीद है जमानत की? मेरा ख्याल है कि दोनों की जमानत हो जाएगी। दोनों ही क्यों? मिसेज एहसान तो मुजरिम है। अहमद साहब, हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं चलूँ साथ? नहीं नहीं, आप यहीं रहें तो बेहतर है, और वैसे भी ऑफिस में एक सीनियर आदमी का होना बहुत जरूरी है। भाई मुजफ्फर को एक सपोर्ट की जरूरत होगी, बहुत सीधा साधा इंसान है। नहीं अहमद साहब, हालात ने उसे सब कुछ सिखा दिया। मैं चलता हूं। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा
भाई पुलिस, पुलिस भाई। अबे क्या बात है, चैन नहीं है तेरे को इतनी रात को? यार कुछ खाने को मिलेगा। अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुछ क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है इसकी। अबे इससे क्या होना यार, अपनी बीबी तक को खा गया गोली मार के। ओए ओए, मैंने नहीं मारा उसको। बंद होने के बाद सब यही कहते हैं। यार मेरी समझ में ये नहीं आता, लोग अपनी बीबी को मार कैसे देते? हालांकि वो तो मोहब्बत करने वाली, खिदमत करने वाली बंदियां होती है। बस अयाशी के लिए। हाँ यार तू ठीक कहता है, इसे भी कोई लड़की पसंद आ गई होगी। यार मेरी समझ में ये नहीं आता, लोग अपनी बीबी को मार कैसे देते हैं? सुनो, मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को। मैंने निशा को नहीं मारा। निशा, निशा मैं तुम्हारे बगैर अकेला हो गया हूँ। निशा निशा वापस आ जाओ। मैंने निशा को नहीं मारा, मैं तो निशा से बहुत प्यार करता हूँ। निशा निशा मैं तन्हा हो गया हूँ तुम्हारे बगैर। प्लीज निशा वापस आ जाओ। निशा तुम्हें तुम्हें किसने मारा? निशा हाँ मुझे सब समझ में आ गया, सब समझ गया। मैं हॉर्न बजा रहा हूँ तो मैं दरवाजा क्यों नहीं खोला? ना जी ना, बेगम साहब ने सख्ती से मना किया है, किसी को अंदर दाखिल मत होने देना। क्या मेरे घर में मुझे ही दाखिल होने से रोक रहे हो तुम? तबाह खराब हो गया तुम्हारा। तो सर जी जाके हमारे अंकल को बुला के लाओ। चलो। क्या हो गया बेटा, क्या हुआ, क्या बात है, क्या हुआ? देखिए अंकल, इन नमक हरामों को मेरे घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर रहे हैं, मेरी रोटियों में पलने वाले। और वो आंटी, देखिए अंकल, मेरे ही घर में मुझे जाने से रोक रहा है ये आदमी। कितना जुल्म किया उन्होंने मुझ पे। क्यों भाई? मेरी ही रोटियों पे पलने वाले ये सब लोग। क्यों भाई, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? वो जी बेगम साहब का आदमी आया था, उसने सख्ती से मना किया था, अगर दरवाजा खोला तो नौकरी से निकाल दूंगा। हो जी अच्छा ठीक है ठीक है। मुजफ्फर चाबी दो। ये ले, ये लो गाड़ी, गाड़ी अंदर खड़ी करो और मुजफ्फर साहब की इजाजत के बगैर किसी को अंदर नहीं आने देना। ठीक है जी, ठीक है। चल आओ बेटा, आए सर। आइए नहीं नहीं तुम बैठो साहब जी, साहब जी, साहब जी मुझे माफ कर दो साहब जी। सर जी बेगम साहबा ने मुझे बहुत डराया था, मुझे मैंने खुद देखा था बेगम साहबा को गोली चलाते हुए, मुझे माफ कर दो साहब जी। ठीक है ठीक है। तुमको और तुम्हारी माँ को इस घर से जो भी कुछ चाहिए लेके फौरन चले जाओ यहाँ से। और सुनो इनके साथ जाके सामान पैक करवाओ और मेक श्योर के लोग बाहर चले जाएं। ठीक है जी, ठीक है। कुछ देर अगर मामा के मैं किसी का कुछ देर कोई इंतजार नहीं कर सकता, बहुत हो चुका, बस जा सकते हैं आप। खुदा हाफिज़। चले चले चले। अच्छा मुजफ्फर मैं अब चलता हूँ। अब वक्त ठहरो ना। नहीं नहीं, रशीद अंकल और हुमायूं साहब भी यहाँ मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि तुम अकेले ही काफी हो। अफाक यकीन करो, अगर तुम ना होते तो आज तक मैं जेल की सलामों के पीछे होता। नहीं यार, ये तो सब ऊपर वाला करता है, बंदे तो सिर्फ वसीला बनते। ठीक है, शुक्रिया। ओके, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। शुक्रिया आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह आप लोगों ने मेरी मदद की है मेरे अंदर से एक इंसान जगाने में, मेरी आंखें खोलने में। थैंक यू वेरी मच। हम तो अब भी तुम्हारे अपने ही हैं। मैं जानता हूँ, हौसले से काम रखो। काश इस मौके पर निशा भी हमारे साथ होती। تمام گواہوں کے بیانات، وکلا کے دلائل اور شہادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مقتولہ مسمات نشا کو عقیلہ عرف مسز احسان نے ذاتی رقابت اور دشمنی کی بنا پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمدن قتل کیا۔ لہذا یہ عدالت مسمات عقیلہ عرف مسز احسان کو 14 سال قید با مشقت کی سزا کا حکم سناتی ہے۔